वर्चुअल बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर कांडा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब अत्याधुनिक मशीनों से एक्सरे होने लगा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन का आभार जताया है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि CHC में एक्सरे की सुविधा नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब नजदीक में ही इसकी सुविधा हो गई है। आपको बता दें कि BPL कार्ड धारकों को निःशुल्क में इसका लाभ मिल सकेगा। मेरा नाम नरेंद्र सिंह सुसार है, मैं चचन सिंह CSC कांडा में काम करता हूँ। हमारे CSC कांडा में पूरी सुविधा हो चुकी है एक्सरे की, ठीक है। और यहाँ पर होल स्पाइन होते हैं एक्सरे, चेस्ट के होते हैं, हैंड के होते हैं, पैर के, सबके एक्सरे होते हैं हमारे CSC कांडा में। ये सुविधा हो चुकी है हमारे CSC कांडा में। और बाकी जो हमारे BPL धारक हैं उनके लिए फ्री एक्सरे होगा, बाकी अन्य जो होंगे उनको पे करना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। कितना? 287। मैं ग्राम सुभाष सिंहकोना से आया हूँ और मेरे हाथ में गिरने से चोट लगी। आजकल कांडा में हमको एक्सरे की सुविधा से बहुत ही सुविधा हो रही है, नहीं तो पहले बागेश्वर जाना पड़ता था। बागेश्वर में जाने से हमारा बिल्कुल बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था आने जाने के लिए, और परेशानी भी होती थी। आजकल हमें कांडा में सुविधा मिल गई है, इसलिए हमको बागेश्वर में साइबर क्राइम सेल ने बीते दिनों साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए 35,000 रुपए लौटा दिए हैं, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने राहत की सांस ली है। दरअसल मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंजा ने बताया कि बीती 7 जुलाई को सिमस्यारी गांव निवासी सुभाष चंद्र ने झिरोली थाने में ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर बताकर उनसे धोखाधड़ी कर दी है। पर साइबर टीम ने कार्रवाई करते हुए गेटवे नोडल अधिकारी से पत्राचार किया और गुरुवार को पीड़ित के खाते में धनराशि वापस करवा दी। बागेश्वर के खरकिया खाती सड़क पर स्थानीय सब कॉन्ट्रैक्टर की ओर से मनमानी ढंग से रोड कटिंग का काम किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों की ओर से इसका विरोध करने पर सब कॉन्ट्रैक्टर की ओर से उनको डराया धमकाया जा रहा है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण के दौरान भारी बोल्टरों को विद्यालय और आवासीय मकानों की ओर गिरा देने के कारण आज विद्यालय की दशा खस्ता हाल हो गई है और काफी दरारें भी पड़ चुकी हैं, जिससे भविष्य में बच्चों के पठन पठान के लिए काफी समस्याएं पैदा हो गई हैं। सेंटर का सबसे पहला बड़ा इशू तो यही है कि अभी हमारे पास वहाँ पे कोई परमानेंट सेंटर नहीं है। इसका प्रस्ताव हमने लास्ट ईयर भेजा था, लेकिन अभी 9 कंप्यूटर यहाँ पर थे। तो गांव के लोगों का कहना है कि भाई जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जो ठेकेदार द्वारा अनियंत्रित रोड सेफ्टी के नियमों का पालन न करके जो रोड काटी जा रही है अनियंत्रित दोहन करके, उनके द्वारा ये स्कूल का नुकसान करा गया। 9 कंप्यूटर यहाँ पर नेस्ताबूत हो चुके हैं, ये पूरा शिनाख्त आप देख रहे हैं। अभी तक ठेकेदार के खिलाफ ना तो विभाग ने कोई मुकदमा दर्ज करा, ना ही विभाग ने ठेकेदार से ये बिल्डिंग बनवाने के लिए यहाँ पर कही। तो मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बेसिक, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो, SDM साहब मेरी आवाज को सुन रहे हो, मेरी प्रार्थना को सुन रहे हो, तो तत्काल जो है ठेकेदार के खिलाफ जो PT कॉन्ट्रैक्टर है आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाइए, और जो सरकारी संपत्ति का नुकसान इनके द्वारा किया गया है तत्काल इनसे भरपाई करके राजस्व वसूली करवाई जाए। यही विनती, यही प्रार्थना मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ। हमने कितना रिक्वेस्ट की, फिर भी ये लोग विभाग और जनप्रतिनिधि लोग ऊपर से काटने को राजी हो गए, इसलिए ये घटना ऐसी घट गई। उस दिन संडे हो गया, BRC भी है, CRC भी है और जूनियर हाईस्कूल है, उस दिन संडे हो गया। इसलिए इस कंप्यूटर 9 कंप्यूटर थे हमारे, 7 कंप्यूटर 2 कंप्यूटर विभाग ने दिए थे, 7 कंप्यूटर अंजो के माध्यम से आए थे। इसी में कंप्यूटर इसी में बच्चे पढ़ते थे, उस दिन संडे हो गया, भगवान की दुआ हुई, वो उस दिन ऐसी दुर्घटना नहीं हुई, उस दिन संडे हो गई, नहीं तो उस दिन हमारा। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में सखी वन स्टॉप सेंटर की जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में DM ने निर्देश देते हुए वन
स्टॉप सेंटर योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की बात कही। आपको बता दें कि सिंगल विंडो सिस्टम योजना पर आधारित इस योजना में पीड़िता ने न केवल शेल्टर बल्कि कई सामाजिक परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। वहीं दूसरी ओर उन्हें महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी जागरूक कराया जाता है। इस दौरान डीएम ने क्षेत्रों में नियमित रूप से काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए, जिससे जिले के अपराधों को रोका जा सके। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र बिष्ट ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि वन स्टॉप सेंटर में वर्तमान तक 229 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 216 का निस्तारण सफलतापूर्वक किया गया है, साथ ही शेष 13 पर कार्रवाई चल रही है। सेंटर का सबसे पहला बड़ा इशू तो यही है कि अभी हमारे पास वहाँ पे कोई परमानेंट सेंटर नहीं है। इसका प्रस्ताव हमने लास्ट ईयर भेजा था, लेकिन अभी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लंबित है, तो मैंने इनको ये निर्देश दिए हैं कि उसको फॉलोअप जो है टाइम टू टाइम करते रहे, जिससे जल्दी जल्दी वो हमारा सुविधा हो सके और यहाँ पर परमानेंट वन स्टॉप सेंटर बन सके। इसके अलावा यहाँ पे जो कंप्लेंट्स आती है उनका उन पर क्या कार्रवाई हुई है, इसका भी हम लोग रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, और इसमें लगभग सभी जितने भी हमारे केसेस आए हैं 100% में हमने इसमें कार्रवाई करी है। और जो हमारी टीम है वो जाके वहाँ पे काउंसलिंग की आवश्यकता होती है तो काउंसलिंग करती है। इसके अलावा अगर वन स्टॉप सेंटर में जैसे अलग अलग डॉक्टर भी होते हैं, वहाँ पे पुलिस वाले का भी रिप्रेजेंटेशन होती है, तो कानूनी या जिस प्रकार की भी कोई समस्या होती है उसके अनुसार वो लोग कार्रवाई करते हैं। मैंने इनको यही डायरेक्शन दिए हैं कि इसका एक तो प्रचार प्रसार हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकें। सारे हमारे जो स्कूल्स वगैरह हैं, हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं, हमारे बाकी ग्राम ग्राम और सारे हमारे शहरी क्षेत्र सभी में सभी महिला के पास ये नंबर वन स्टॉप सेंटर का। बागेश्वर गरुण के ग्राम पंचायत मचकोट में हर जल हर घर नल मिशन योजना का टेंडर हुए एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन योजना का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिससे ग्राम प्रधान मदन मोहन गोसाई का विभाग के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि कई बार विभाग को सूचित करने पर भी उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ठेकेदार की ओर से पहले चरण का काम भी पूरा नहीं होने की बात कही है। वहीं उन्होंने शीघ्र ही जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं का काम पूरा करने की मांग की है। नमस्कार, मैं मदन मोहन गुसाई, ग्राम प्रधान मचकोट। अभी हमारे गांव में वर्तमान समय में जो घर घर जल घर घर नल वाला जो कार्य चल रहा है, और हमारी ग्राम पंचायत में घर घर नल घर घर जल वाली जो योजना है उसका टेंडर एक साल पूरा होने को जा रहा है टेंडर हुए, लेकिन टेंडर होने के बाद जो ठेकेदार हैं और विभाग इतनी लापरवाही कि अभी तक जो है ठेकेदार गाँव में काम कराना आया था, और एक आध दिन काम कराने के बाद जो है ठेकेदार तब से वापस गया और गाँव में आया नहीं अभी। और कितनी बार हमने जो है मौखिक में फ़ोन के माध्यम से जल संस्थान में जो एक्शन साहब उनको भी शिकायत कर दी है, शिकायत करने के बावजूद भी ठेकेदार को फ़ोन करो तो कहता है कि भाई कि अब मतलब हम मैं काम अपने हिसाब से करूंगा। और एक साल के बाद अभी वर्तमान समय में लोग इतना आकर्षित हैं कि सब लोग चाह रहे हैं कि हम एक धरना या आंदोलन करें, क्योंकि लिखित में जब विभाग के पास हम शिकायत कर रहे हैं या उनको सुस्ता दे रहे हैं, वहाँ से भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो जनता अब जो है कि मजकूर की पूरी पब्लिक केवल आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, और हम जल्दी ही इसमें गांव वाले बागेश्वर के साथ चौरा जलकोट किमोली मोटर मार्ग का सर्वे किए जाने के बारे में ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की ओर से सात चौरा जलकोट किमोली मोटर मार्केट सर्वे गठियार से कमोली ग्राम सभा तक किया गया है, जबकि इससे पहले इस मोटर मार्ग का सर्वे गठियार से प्राइमरी पाठशाला जोलीकोट से होते हुए ग्राम वासियों की सहमति से किया गया था। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि कमोली से हुए सर्वे से ग्रामीणों को आपत्ति है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मोटर मार्ग का सर्वे प्राइमरी पाठशाला जोलीकोट से होते हुए किमोली तक किया जाए, जिससे ग्रामीणों को रोड का लाभ मिल सके। ये सात चौरा जलटाकोट किमोली मोटर मार्ग है जो पूर्व में स्वीकृत हुई थी, और शहीद मोहन सिंह नगरकोटी के नाम से ये सड़क स्वीकृत थी।
तो जो अलाइनमेंट का विवाद हुआ है उस अलाइनमेंट के विवाद को सुलझाने के लिए गांव के लोग यहां पर पहुंचे हैं और हमने अधिशासी अभियंता महोदय से भी विनम्र निवेदन किया कि एक बार स्थलीय निरीक्षण करके इसका समाधान करें, क्योंकि गांव के लोगों का कहना है कि हमने जिस समय रोड की सर्वे कराई थी उस सर्वे में रोड के पिल्लर नहीं लगे हैं, तो लोगों को उसी बात की आपत्ति है। आज उसी आपत्ति को लेकर गाँव के लोग अधिशासी अभियंता बागेश्वर के पास पहुंचे और कपकोट का अंतिम सुदूरवर्ती क्षेत्र की सड़क है और हम चाहते हैं कि भाई गांव के लोगों को समाधान के लिए सड़क बने, तो निश्चित तौर पर गांव के हित में ही रोड को कटना भी नितांत आवश्यक है। सर, जनताकोट के हमारे ग्रामीण भी लोग आए हुए हैं आज रोड से कुछ बात करने के लिए आए हुए हैं कि थोड़ा सर्वे जो है गाँव से जो हो रखी है उसका हम चाहते हैं कि सबकी जल्द हो वहाँ से सर्वे हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या थी पुरानी सर्वे एक्चुअली सर, उससे मतलब ये कि सब लोग संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि इसमें है कि जिसमें मतलब हम ये चाहते हैं कि जिसमें सबके सब लोग एग्री होते हो, पूरे गांव वालों की जो हित में हो वहाँ सर्वे होनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या सोल्यूशन निकल रहा था इसमें? जो इनका ऑब्जेक्शन है कि जो पूर्व में सर्वे की गई है उसे रोड न बनाते हुए इसको जो अलाइनमेंट है उसको अपना देख लिया जाए, तो हमने ये विचार किया कि इसको दोबारा हम देखने के लिए संडे को हम जाएंगे और उसको देखते हैं कि क्या हो सकता है, बेस्ट पास बना वो हम करेंगे। पंजोपुर में फॉरेस्ट क्लियरेंस हमारा हो चुका है इसलिए वर्तमान में उसमें चेंजेस करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए अभी हम लोग दोबारा से इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या हो सकता है सबसे जो अच्छा समझे गाँव वाले कहने चल नहीं। बीच में एक्चुअली जब भी हम लोग अलाइनमेंट बनाते हैं तो उसमें से दो तीन ऑप्शन देखा जाता है और जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको अप्रूवल के लिए दिया जाता है, तो हम लोग उसमें ही हम लोग सर्वे करते हैं। तो बागेश्वर में क्षेत्रवासियों को राशन न मिलने और पात्र व्यक्तियों को बीपीएल कार्ड नहीं दिए जाने को लेकर क्षेत्रवासियों ने जिला आपूर्ति विभाग में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें राशन के साथ बीपीएल कार्ड से वंचित किया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पात्र व्यक्तियों को बीपीएल कार्ड बनवाने के नाम पर विभाग की ओर से टालमटोली की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय पर आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। सर यहाँ दो तीन बार आ गए हैं, कह रहे कभी जन्म प्रमाण लेके आओ, कभी वो जाति लेके आओ। सर हम कितनी बार आ गए हैं, अभी तक राशन कार्ड का कुछ नहीं। कौन सा कार्ड बना था आपका? सर बीपीएल, मैडम बीपीएल, इससे पहले वो बीपीएल ही था हमारा, वो मेरे लोगों का है, मेरा तो अभी बनानी है। ये पुराना कार्ड ही बना रहे हैं हम, पुराना कार्ड बनाने में इतने कागज लाओगे हम कहाँ जाएंगे जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए? वो बुजुर्गों का जन्म प्रमाण कहाँ से लाएंगे? इतनी परेशानी हो रही है हम, कितनी अधिकारी लोग कह रहे हैं कि पूरे कागज लेके आओ, दो तीन बार आके हम परेशान हो गए हैं आते आते। राशन कब से नहीं मिला आपको? राशन हमको तीन चार महीने हो गए राशन नहीं मिला है। देखिए क्षेत्रीय जनता राशन कार्ड के लिए इतना परेशान है, आज दो चार महीने हो गए हैं, लोग डर डर की ठुकरें खा रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि तीन महीने में आप आइए और तब जाके आपका कार्ड बनेगा। साल साल भर हो गया है लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, और जो वास्तु में पात्र थे जो बीपीएल थे उनको इन्होंने एपीएल में डाल दिया है और एपीएल वालों को बीपीएल में डाल दिया है, और पूरी जनता क्षेत्रीय जनता बागेश्वर की पूरी जनता यहाँ बूढ़े बच्चे जवान जितने भी यहाँ आ रहे हैं और बैरिंग जा रहे हैं उन्होंने राशन कार्ड मिल रहा है, और जब राशन कार्ड ही नहीं मिलेगा तो राशन कहाँ से मिलेगा? बीपीएल कार्ड बनाना था, कितने सालों से कह रहे हैं बीपीएल बना दो, जिसको जरूरत है उसका नहीं बना रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं है उसका बना के रखा है। गाँव में आगे देखना चाहिए किसका बीपीएल है किसका नहीं है, किसको जरूरत है किसको नहीं है, यही समस्या है मेरी, मेरी समस्या पूरी करना, यही कह रहे हैं आज बनाएंगे कल बनाएंगे। बागेश्वर में पंचायत के धरने के बीच लगातार अधिकारियों के तबादले की बात भी सामने आ रही है। इस बीच अब नए एएमए बसंत सिंह मेहता ने कल पदाभार ग्रहण किया और जिला पंचायत में चल रहे धरने को आपसी वार्ता और समझौते के साथ सुलझाने की बात कही। इस दौरान मामले में सदस्यों का कहना है कि वे आपसी सुलह करने को तैयार हैं, लेकिन वे सदन के बाहरी सुलह करने के साथ ही उन्होंने कहा कि वित्तीय अनियमितताओं की जांच को लेकर लेटर दिया जाए जो कि उनके पास अभी तक नहीं आया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिला पंचायत का धरना अब कौन सा नया मोड़ लेगा। हमारा धरना प्रदर्शन 15 जून से निरंतर चल रहा है, आज हमारे धरने को 63वां दिन है। तो जिस तरीके से हम
हमारी मांगों को अभी तक नहीं माना जा रहा है, लेकिन हम लोग अपने करने पर डटे हुए हैं और इसी क्रम में हमारे ज़िले के जो DPRO हैं, प्रभारी DPRO को हमारे यहाँ पर अभी यहाँ पर AMA का चार्ज दिया हुआ है और वो अभी कल यहाँ पर आए हुए थे और उनका कहना है कि मैं आप लोगों की मांगों को लेकर माननीय अध्यक्ष जी से वार्ता करूँगा और समाधान का उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस जिला पंचायत में जो है समाधान के की ओर अग्रसर हमारी अध्यक्षता दिख नहीं रही है। देखो हम जो है इनके आपस में सबकी इनकी बातों को सुनकर आपस में इनको सबको बैठाल कर तो इनके एक दूसरे से क्या क्या वो गिले शिकवे हैं उनको हम दूर करेंगे और बगैर बैठे तो हो नहीं पाएगा है नहीं। तो हमको जितने भी ये 19 के 19 सदस्य हैं सबको बुला के इनका आपस में वार्ता करने के बाद ही इनके वो कोई समस्या का हल निकल पाएगा। मुख्यतः देखो हम इनमें आपस में बातचीत करेंगे, वार्ता जिसको कहते हैं, वार्ता से ही हर चीज़ सॉल्व होती है। सर जांच भी चल रही है लेकिन उसका क्या रहेगा अगर ये बजट का आवंटन होगा नहीं होगा? आप देखो जांच के संबंध में जो आज ही मैंने वो ना कल ही मैंने चार्ज लिया है तो इसके लिए संबंध में जो अभी जो फाइल वगैरह पेट्रोलनी पड़ेगी देखना पड़ेगा कि फाइलों में क्या आएगा। बागेश्वर गरुड़ के ब्लॉक सभागार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के वंदना सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम के तहत आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान विभाग की ओर से संचालित की जा रही कई योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्रामीण क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। वर्ष में एक मातृवंदना सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी क्रम में हमारा एक कोशिश थी कि गरुड़ में आज हम ये मातृवंदना सप्ताह के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पुरानी ब्लॉक प्रमुख और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इस योजना के संचालन में उनका एक कार्यशाला थी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि सप्ताह में कि जो छूटी हुई महिलाएँ हैं, जो लाभार्थी वहाँ छूट गए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ दिया जा सके। जो समस्याएँ यहाँ पर आ रही हैं इसका जैसे स्पेशली टीकाकरण, आधार कार्ड और कैसे उसको रेक्टिफाई करके उसको दूर किया जा सके, इस संदर्भ में काम करने की कोशिश क्या किया जाएगा उस पर हमने चर्चा की। देखिए जैसे कि मातृवंदना सप्ताह हम लोग पूरे भारतवर्ष में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देश पे मना रहे हैं। इस सप्ताह में हम लोग विशेष रूप से जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों को फोकस करते हुए उनके जनप्रतिनिधियों को, उनके ग्राम प्रधानों को हम लोग यहाँ पे कार्यशालाओं में बुला के उनको जो है चिन्हित करने के लिए, जो प्रधानमंत्री मातृवंदना के लाभार्थी हैं उनको चिन्हित करने के लिए हम लोग सहयोग। बागेश्वर के ग्राम पंचायत पाकड़ में औषधीय वृक्षों के बड़े स्तर पर उत्पादन और संरक्षण के लिए पूर्व विधायक शेर सिंह गढ़िया और ज्येष्ठ प्रमुख हरीश मेहरा ने पाकड़ गांव में महिला समूह को औषधीय पौधे वितरित किए। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान समाज में पर्यावरण संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए ग्रामीणों के साथ शपथ ली गई। ग्राम पंचायत पाकड़ के अंदर आज औषधि वृक्षों का बृहद वृक्षारोपण और संरक्षण कार्यक्रम के तहत आज जो वृक्षारोपण यहाँ पर किया गया, मुख्य रूप से यहाँ पर जो हमारा कुटज एक औषधि प्रकार का पौधा है उसका वितरण किया पूरे ग्राम पंचायत के अंदर और उसका रोपण भी किया गया। मुख्य रूप से आज के इस मंदिर परिसर में हमने रुद्राक्ष, बेलपत्री ऐसे औषधि वृक्षों का भी हमने वृक्षारोपण किया, जिसका वृक्षारोपण करने के साथ साथ ही संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। पूरे विकासखंड कपकोट के अंदर, पूरे बागेश्वर जिले के अंदर इस प्रकार का हमारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी प्रकार से जो आयुर्वेद और आयुर्विज्ञान का हमारा जो क्षेत्र है उसको और मजबूत करने के लिए इस प्रकार की हमारी योजनाएँ चल रही हैं। आज हमने यहाँ पे कुटज प्रजाति के औषधीय पादप बोर्ड और डाबर के सहयोग से ये इस प्रकार के पौधे का वितरण किया। इसमें सैकड़ों की संख्या में हमारी मातृशक्ति जो कि महिलाओं का विशेष रूप से जो कई प्रकार की बीमारियां हैं उसको समाप्त करता है कुटज का पौधा, तो इस पौधे के वितरण से हम सब लोगों ने एक प्रकार से मातृशक्ति का जागरण भी किया और दूसरी ओर से उनका स्वास्थ्य के प्रति भी एक प्रकार से यह एक नया क्रांति लाएगा। और इसी के क्रम में हम औषध पादप बोर्ड के माध्यम से भी और जो जड़ी बूटी उत्पादन सहकारी समूह है उसके माध्यम से भी
विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के जो पौधे हैं उनका रोपण भी क्लस्टर के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, एनालरम के माध्यम से, जो हमारे बहुत प्रकार के समूह हैं सबके सहयोग से प्रत्येक गांव के अंदर इस कार्यक्रम को हम पिछले 3-4 महीने से वर्षा काल में जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमने ये जड़ी बूटी के जो औसत पूरे विधानसभा कपकोट और जनपद बागेश्वर के अंदर अन्य डिस्ट्रिक्ट। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए News 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। बागेश्वर बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर।